Hello everyone, I am starting with part B of standard sample paper. So I have already covered part A of this paper. If you wish to see that, you can watch. I will give the link of that in the comment section as well as in description box. So you can check it out. So I am starting with question number 21, that is from part B. So it says three bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. All three bells rang at 6 a.m. when the three balls will the ring together next. So हमें बताना है कि ये जो bells हैं दोबारा से एक time के बाद कब वापस से ring करेंगी एक साथ. तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, least common multiple. So we have three times, that is 4, 7 minute and 14 minute. तो सबसे पहले आप इसको factorize कर लो and you can find the least common multiple. 7 को तो 7 इंटू 1 ही लिख सकते हैं, 14 को हम 2 इंटू 7 लिख सकते हैं. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर एंड 7 रेज टू पावर 1. तो दिस विल बी 4 इंटू 7, दैट इज 28. अब ये जो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया ये किस में आया, मिनट्स में आया. उन्होंने बोला था ऑल थ्री वेल रैंग एट 6 एम पहला. अब उसके बाद दोबारा से हमें बताना है कि कब एक साथ रैंग करेंगे. So it will be at 6:28 minutes. Hour नहीं है ये, it is minutes. So 6:28 minutes पे, मिनट पे rank करेंगे दोबारा एक साथ. So this is the answer for question number 21. Let's do question number 22. It says find the point on x-axis which is equidistant from the point 2, -2 and -4, So let's draw the figure for same. तो हम एक पॉइंट मान लेते हैं 2, -2, दूसरा पॉइंट मान लेते हैं -4, 2. अब बीच में जो पॉइंट है x एक्सिस पे जो लाई कर रहा है इट विल बी x, 0, राइट. तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P, इसको A और इसको B. अब उन्होंने हमें कंडीशन क्या दी है, दैट दे आर इक्विडिस्टेंट. इसका मतलब जो हमारा पी ए होगा वो किसके इक्वल होगा, पी बी के. पी ए डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू पी बी डिस्टेंस. सो यहाँ पे हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है. सबसे पहले हम पी ए का निकालेंगे, इट विल बी x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 विल बी +2 होल स्क्वायर. पी बी के लिए निकाल लेते हैं, दिस विल बी x+4 होल स्क्वायर. देन वी हैव 0 -2 होल स्क्वायर. सो x -2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, x² + 2² - 4x + 2² एज वेल. देन वी हैव x+4 होल स्क्वायर, इट विल बी x² + 4² + 8x. देन इन द एंड वी हैव -2 होल स्क्वायर + -2 होल स्क्वायर. सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x² - 4x and 4 and 4, it will be 8. And right hand side ko solve karte hain, x² + 16 + 8x + 4. Ab yahan pe yaar hume cancel karna padega x² and x² ko, kyunki dono hi positive mein hai, isliye hum x² and x² ko cancel out kar denge. Ab hamare paas yahan pe x ki terms ko hum left hand side le aayenge और जो सिंपल न्यूमेरिकल टर्म्स है उनको राइट हैंड साइड ले जाते हैं. सो दिस विल बी -4x - 8x = 16 + 4 - 8. सो ये हो गया आपका -12x और 16 + 4 = 20. 20 - 8 = 12. सो यू गेट x वैल्यू एज -1. x की वैल्यू आपकी -1 आ गई. तो हमारा जो पॉइंट होगा x एक्सिस पे वो क्या होगा, x, 0 था, x की वैल्यू क्या है, -1. सो -1, 0. सो आंसर टू दिस इज -1, 0. दिस इज क्वेश्चन नंबर 22. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 23. सो हियर यू आर गिवन विद 2 zeros, दैट इज 5 - 3 √2 एंड 5 + 3 √2. And we have to form a quadratic polynomial. तो quadratic polynomial form करने के लिए सबसे पहले तो हमें sum of zeros लेना पड़ेगा.
मान लो ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा. इट विल बी 5 - 3√2 + 5 + 3√2. 3√2 से 3√2 कैंसिल हो गया, यू विल गेट 10. अब हमें लेना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट विल बी अल्फा इनटू बीटा. सो दिस विल बी ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, और उसका जो मतलब आइडेंटिटी होती है इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए है हमारा 5 स्क्वायर, बी है हमारा 3√2 होल स्क्वायर. सो 5 स्क्वायर इज 25 - 3 स्क्वायर इज 9, और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 9 × 2 = 18. 25 - 18 कितना हो जाएगा? 7. सो अब हमें यहाँ पे पॉलिनॉमियल बनाना है. पॉलिनॉमियल इज पी एक्स. तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट. सो एक्स स्क्वायर एज इट इज सम. सम कितना आया हमारा? इट इज 10. सो 10x प्लस प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कितना आया अब हमारा? 7. सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7 इज द राइट आंसर हियर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24. इट सेज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर विद A एंड B एज सेंटर. Draw circle of radius 5 cm and 3 cm respectively. Construct tangents to each of circles from the center of the other circle. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपने बनानी है एक line segment of length 9 cm. So मान लेते हैं कि ये हमारी length 9 cm की line segment है. नेक्स्ट उन्होंने आपको बोला है विद ए एज सेंटर एंड बी एज सेंटर. ए सेंटर पे आपने 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है. सो यू कैन डू विद योर कंपास. आई एम डूइंग रफली हियर क्योंकि अभी इतना ज्यादा मतलब टाइम नहीं है टू शो दैट कंस्ट्रक्शन. सो यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर का सर्कल बना लिया. बी पॉइंट से आप 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाओगे. Respectively, construct tangents to each circle from the center of the other circle. तो अब हमें क्या करना है, इसका tangent B से join करवाना है और इसका tangent again B से join करवाना है. इस small circle का 3 cm वाले circle का आपने tangent A से join करवाना है. So कुछ diagram आपका ऐसा लगेगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर से ज्वाइन करवा दिया हमने. सो कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल. तो बस यही शो करना था हमें. दैट्स इट. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25. सो इट सेज टैन ए इज इक्वल टू 3/4. फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin A + 1/cos A. सो यहाँ पे हमें टैन ए का रिलेशन दिया हुआ है, हमें साइन ए और कॉस ए निकालना है क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ है 1/sin A + 1/cos A. तो हम क्या करेंगे, इसकी रेशियो फॉर्म ले लेंगे, दैट इज 3/4. और टैन ए किसके इक्वल होता है? टिल पेंटेड ब्लैक. सो इट इज P/B, मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ है आप लोगों को, दैट इज 3k, और बेस दिया हुआ है आपको 4k. अब आपने निकालना क्या है, एसी निकालना है ताकि हम साइन ए भी निकाल सके और कॉस ए भी निकाल सके. सो वी विल बी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हियर. सो इट इज हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेन्यूस इज अननोन टू अस, 3k² + 4k² सो दिस विल बी 9k² प्लस 16k², दिस विल बी 25k². सो हाइपोटेनियस स्क्वायर के इक्वल है, तो हाइपोटेनियस हमारा 5k हो जाएगा. सो AC इक्वल्स 5k. नाउ वी हैव टू फाइंड साइन ए एंड कॉस ए. तो साइन ए का फॉर्मूला होता है आपका, सम पीपल हैव, दैट इज P/H. पी इज 3k, हाइपोटेनियस इज 5k. So it is 3/5. Now we will find cos A.
cos A is equal to B over H, that is base over hypotenuse. Base is 4k and hypotenuse is 5k. K and k gets cancelled out. Now we have to find 1 over sin A plus 1 over cos A. So 1 over sin A. Sin A is 3 over 5 plus 1 over cos A. Cos A is 4 over 5. 5 upar chala jayega. It will be 5 over 3 plus 5 over 4. Yahan se ab aapne LCM lena hai. LCM aapka aa jayega 12. Kyunki 3 and 4 hai to 12 LCM ho jayega. First value ko aap 4 se multiply karoge. Second value ko aap 3 se multiply karoge. So this will be 20 and this will be 15. And 20 plus 15 is 35 over 12. So your answer is 35 over 12. Let's do question number 26. So it says in the given figure, quadrilateral ABCD is circumscribing a circle with center O. So aap dekh sakte ho ki hamare paas ek quad hai, that is ABCD. This is B here. And it says with center O. Matlab uske andar hamare ko ek circle diya hua hai with center O. And AD is perpendicular to AB, and it is given that if radius of in circle is 10 cm, then value of X is. हमें X की value निकालनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, that is AB. AB की value निकालनी पड़ेगी हमें. So, सबसे पहले, जो हमारा angle A है, वो दिया हुआ है 90 degree. Angle OPA, आपका 90 डिग्री हो जाएगा फ्रॉम दिस साइड. OPA इज 90 एज वेल, क्योंकि रेडियस OP इज अ रेडियस एंड AP इज अ टेंजेंट. तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कैसा बनता है, हमेशा 90 डिग्री. सो नेक्स्ट आपका आप देख सकते हैं OSA, अगेन 90 डिग्री एंगल. 90 डिग्री क्यों होगा ये हमारा, क्योंकि OS आपका रेडियस है और SA आपका टेंजेंट है. So, OSA is 90 degree. So, अगर हमारे 1, 2, 3, मतलब अगर मैं लूँ OPAS, तो अगर मेरे 3 angle उसमें से 90 है, तो चौथा angle कितना हो जाएगा, वो भी 90 होगा. 360 degree, angle sum property से. So, as we know कि AP और AS equal हैं, OS और OP इक्वल है क्योंकि रेडियाई है, तो इसका मतलब हमारा OSAP क्या हो गया, स्क्वायर हो गया. और कॉर्नर एंगल्स भी 90 है सारे के सारे, और सारी साइड्स भी हमारी इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा OSAP क्या हो गया, स्क्वायर हो गया. और OS हमें 10 दिया हुआ है, OS इज 10, तो OP भी हमारा 10 होगा. व्हाई? बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ अ सर्कल. नाउ इफ CR इज 27 सेंटीमीटर, इसका मतलब पॉइंट CQ तक भी 27 होगा. CR इज इक्वल टू CQ, क्योंकि टेंजेंट्स अगर एक्सटर्नल पॉइंट पे जाके मीट करते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट कौन है, C है, तो C पे जाके अगर मीट कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर इक्वल. सो CR एंड CQ इज इक्वल, और CR और CQ का मेजर कितना हो गया, 27 सेंटीमीटर. अब आई वॉन्ट टू फाइंड BQ, इतना पार्ट निकालना है. पूरा पार्ट तो हमें दिया हुआ है, BC हमें दिया हुआ है, दैट इज 38 सेंटीमीटर. तो हम निकालना चाहते हैं BQ पार्ट. तो BQ पार्ट कैसे निकलेगा, इट विल बी 38 माइनस 27, सो इट इज 11 सेंटीमीटर. सो BQ इज नाउ नोन टू अस, दैट इज 11 सेंटीमीटर. और अगर हमें BQ पता है, तो हमारा BP भी, BP भी हमारा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा. PQ इज इक्वल टू BP, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट कौन बिहेव कर रहा है यहाँ पे, B बिहेव कर रहा है. सो दिस इज 11 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड AP एज वेल, क्योंकि अगर हमें AB पूरे पार्ट निकालना है, तो उसके लिए हमें AP भी नोन होना चाहिए. तो हमें AP की वैल्यू कैसे मिलेगी, AP इज एक्चुअली 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इनिशियली क्या बोला था, दैट OSAP इज अ स्क्वायर.
और स्क्वायर है तो हमारी सारी की सारी साइड्स इक्वल है, तो 10 सेंटीमीटर हो गया एपी हमारा। तो फाइनल आंसर इज एबी इज इक्वल टू एपी प्लस पीबी, और एपी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, पीबी की वैल्यू अभी अभी जस्ट हमने निकाली थी इट इज 11 सेंटीमीटर, सो इट विल बी 10 प्लस 11 इट विल बी 21 सेंटीमीटर, एबी इक्वल्स 21 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 27। इट सेज प्रूव दैट 2 माइनस अंडर रूट 3 इज इरेशनल गिवन दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल। तो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी कि हमारा अंडर रूट 3 इरेशनल है, हमें 2 माइनस अंडर रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है। सो लेट क्या करते हैं हम इसमें, सबसे पहले लेट 2 माइनस अंडर रूट 3 बी अ रैशनल नंबर। हम मान के चल रहे हैं कि ये दोनों, मतलब ये नंबर पूरा, ये टर्म पूरी रैशनल नंबर है, विच इज 2 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए ओवर बी। ए ओवर बी क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर शो कर रहा है, और हमें पता है वे ओ ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। नाउ यू हैव टू इंटरचेंज द वैल्यूज, मतलब ए ओवर बी को आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाना पड़ेगा, और जो भी आपका इरेशनल नंबर है उसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। सो इट विल बी 2 माइनस ए ओवर बी इक्वल अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 राइट हैंड साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, सो अंडर रूट 3 हियर। सो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे फ्रैक्शन ले लो, फ्रैक्शन विल बी बी हियर, एलसीएम ले लिया, और बी आपका 2 के पास भी चला जाएगा, इट विल बी 2 बी माइनस ए इक्वल अंडर रूट 3। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी फर्स्ट वैल्यू जो है हमारी, वो फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन हमारा इरेशनल नहीं हो सकता, फ्रैक्शन है तो इसका मतलब ये रैशनल है, और जो हमारा अंडर रूट 3 है वो इरेशनल है, क्योंकि अंडर रूट 3 कांट बी मिनिमाइज्ड है। सो अंडर रूट 3 हमारा इरेशनल नंबर है, उन्होंने दिया भी हुआ था हमें ऑलरेडी, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिख रहा है कि वो फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा है, सो इसका मतलब हमारा ये जो पार्ट होगा वो रैशनल भी हो सकता है। सो बेसिकली ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट को, इट contradicts our statement, therefore we will say that 2 minus under root 3 is a irrational number, क्योंकि यहाँ पे आके हमारा contradict हो गया कि एक साइड हमारी rational आ रही है और दूसरी साइड हमारी irrational आ रही है, so you have to say that this contradicts our statement, therefore 2 minus under root 3 is a irrational number, so that's it for question number 27, let's do question number 28 now. It says if one root of the quadratic equation that is 3x square plus px plus 4 is equal to 0. Now it is given that one root is 2 under root 3. So हम एक बार x को 2 under root 3 put करके देख लेते हैं, उससे क्या होगा, उससे हमें p की value मिल जाएगी, p की value मिल जाएगी, उसके बाद हमारा दूसरा root भी आ जाएगा। So let's put x equals 2 over 3. So this is 3. 2 over 3 in the space of x. P 2 over 3 plus 4 is equal to 0. So 3. Then you have 4 over 9 plus 2p over 3 plus 4 equals 0. 3 or 9 ko cancel kar dete hain. This will be 3. So you get 4 over 3. प्लस 2p ओवर 3 प्लस 4 इक्वल 0। 2p ओवर 3 को हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे और 4 ओवर 3 एंड 4 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, सो माइनस 4 माइनस 4 ओवर 3, सो टेक एलसीएम हियर, यू विल गेट 3 एंड दिस विल बी माइनस 12 माइनस 4 एंड माइनस 16 ओवर 3। सो आपकी जो वैल्यू है 2p ओवर 3 इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, p की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस 16 ओवर 2, सो p वैल्यू इज माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, इस p वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देंगे और उससे हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी,
और फिर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² प्लस px प्लस 4। अब यहाँ पे आपने p की वैल्यू पुट करनी, p वैल्यू इज -8x प्लस 4। सो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिल गई, 3x² माइनस 8x प्लस 4। अब इसको हमें रिड्यूस करना है टू गेट अदर रूट, दूसरा रूट हमें निकालना है। सो इसको हम क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। 3 और 4 को 12 ले लो, 12 को स्प्लिट करेंगे एज 6 and 2, तभी आएगा हमारा 8। सो 3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 इक्वल 0। सो फर्स्ट टू वैल्यूज में से 3x कॉमन ले लो, यू विल गेट x हियर, x माइनस 2 माइनस 2x, x माइनस 2 इक्वल 0। सो आपको मिल जाएगा x माइनस 2 एंड 3x माइनस 2। सो x की दो वैल्यूज आ गई, वन इज x इक्वल्स टू एंड अदर इज 2/3। सो दीज आर द टू वैल्यूज, और एक तो हमें ऑलरेडी दिया ही हुआ था 2/3, दूसरी हमें जो निकालनी थी अदर रूट, इट इज 2, आंसर इज 2। सो दिस इज डन, क्वेश्चन नंबर 28 इज डन, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29। इट सेज इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 cm, सो AB इज गिवन टू अस, that is 14 cm. Semicircles are drawn with each side of square as diameter. Find the area of the shaded region. So यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पार्ट को छोड़ के हमें शेडेड रीजन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर। सो इसमें सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट विल बी 14 × 14। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 14 × 14, दैट इज साइड इंटू साइड, इट विल बी 196 cm². अब यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं एरिया ऑफ AOB एंड एरिया ऑफ DOC। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल AOB प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल DOC, सो इट विल बी हाफ पायर स्क्वायर प्लस हाफ पायर स्क्वायर, क्योंकि सेमी सर्कल है और दोनों का एरिया सेम ही होगा। तो यहाँ पे हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो दिस विल गिव यू 2/2, दैट विल बी 1 πr². सो इट विल बी पाई विल बी 22/7, आर विल बी हाफ ऑफ 14, दैट इज 7। सो 7² हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 7 हो गया आपका 154 cm². सो ये तो हमारा AOB ये वाला का सेमी सर्कल का और DOC का आ गया। इसका मतलब दैट विल बी एरिया ऑफ पार्ट 1 and पार्ट 3। अब हमारे पास 2 और 4 के लिए तो नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड 2 पार्ट्स निकाल लेते हैं। मतलब हमें निकालना है 3rd के लिए और हमें निकालना है 1st के लिए। तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दोगे एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ DOC। सो हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड 2 पार्ट्स इक्वल 196 माइनस 154। सो 196 माइनस 154 इज 42 cm². सो अब ये हमारा सिर्फ 1st और 3rd पार्ट का निकला है, हमें 2nd और 4th का भी निकालना है, तो ऑब्वियसली वो दोनों सेम ही होंगे। सो 42 + 42 विल बी 84 cm². सो एरिया ऑफ 2nd and 4th विल बी सेम एज ऑफ एरिया ऑफ 1st and 3rd। सो इफ इट इज 42, दिस विल बी 42। तो टोटल हमें निकालना था 1st का एरिया, 2nd का एरिया, 3rd का एरिया और साथ में 4th का भी। सो दोनों को आप ऐड कर दो, सो दिस विल गिव यू 84 cm².
So area of shaded part is 84 centimeter square. So let's move on to question number 30. It says perimeter of two similar triangles are 25 centimeter and 15 centimeter respectively. Perimeters are given of two similar triangles. If one side of the first triangle is 9 centimeter, find the length of the corresponding side of the second triangle. तो perimeter दिया हुआ है, इसका मतलब हमें perimeter का यूज करना है. तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, वन इज ए बी सी एंड अदर इज डी ई एफ एंड दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स. और पहले वाले का जो है वो 25 सेंटीमीटर है पेरीमीटर और दूसरे का पेरीमीटर है 15 सेंटीमीटर. तो हमारे पास ये भी कंडीशन गिवन है दैट ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ. नाउ वी विल टेक पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ओवर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ. सो ए बी सी का क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. डी ई एफ का क्या होगा, इट विल बी डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ टी विच इज इक्विवेलेंट टू ए बी ओवर डी. तो हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 25 ओवर 15. डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी कितना दिया हुआ है टोटल 15, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ. और ए बी हमें कितना दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है हमें. सो हम मान लेते हैं कि वो 9 सेंटीमीटर है और दूसरे ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमें निकालनी है, दैट विल बी एक्स. सो 9 ओवर एक्स. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यू विल गेट 9 इंटू 15 ओवर 25. सो दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 5. सो 9 इंटू 3 इज 18, 18 ओवर 5 इज 5.4. सो आई विल कवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज डन. आई विल कवर क्वेश्चन नंबर 31 टू लास्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो. आई एम कवरिंग दिस पार्ट इन दिस वीडियो. So, thank you for watching this video. Have a great day.